Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. गाइज, अगर आपने मेरे द्वारा दिया गया कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट का ट्रेनिंग कर लिया है और उस 10 वेबसाइट को डेवलप कर लिया है जिसको मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तभी आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। काइंडली उस ट्रेनिंग को पहले पूरा करें, फिर इस वीडियो सीरीज को शुरू करें। डियर स्टूडेंट, यीशु SS3 का चैप्टर 21 है जिसमें हमें मूविंग स्टार्स एनिमेशन को डेवलप करनी सीखनी है। मैं उसकी डेमो आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, जरा आप ध्यान से देखें। मैं इस वाले एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, सो प्रॉपरली अचीव करते हैं कि आप इस तरह के एनिमेशन को कैसे डेवलप कर सकते हो। ओके, ऐसा एनिमेशन डेवलप करने के लिए आपको फ़ोटो की आवश्यकता होगी, ये वाली फ़ोटो। ओके, ये फ़ोटो का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लोगे। ओके, सिंपली आप अपने टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर ले, H1 से अपने कंटेंट को राइट कर ले, जैसे मैंने अपने कंपनी का नाम लिखा है स्वीटूज मीडिया। ओके, और फिर स्टाइल की मदद से इस H1 को थोड़ा सा डेकोरेट कर ले। ओके, यहाँ मैंने HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट नहीं किया है, आप कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट करके ही कोडिंग करोगे। ओके, सिंपली मैंने H1 को सेलेक्ट किया, सबसे पहले फॉन्ट हाइफन साइज डिफाइन कर देता हूँ 100 pixels। ओके, टेक्स्ट हाइफन अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके इस टेक्स्ट को सेंटर में दिखा लेता हूँ और फिर फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का यूज करके इसका फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज कर दूंगा स्क्रीम रियल। ये फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं होगा, सो काइंडली गूगल पे सर्च करके आप इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लोगे तो ऑटोमेटिक जैसे मेरी फॉन्ट की डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन में आपका भी टेक्स्ट नज़र आएगा। अब हमें क्या करनी है, इसके बैकग्राउंड में इमेज को सेट करनी है। ओके, तो अगर मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करके URL में फ़ोटो का नाम डिफाइन कर देता हूँ star.jpg, तो क्या होगा, सिंपली फ़ोटो तो आएगा बैकग्राउंड में लेकिन H1 का डायमेंशन एरिया जहाँ तक होगा वहाँ तक आएगा, लेकिन हमें फ़ोटो को कहाँ रखनी है, H1 में जो टेक्स्ट है उसके अंदर। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करोगे, फ़ोटो तो सेट कर ही लोगे और कलर प्रॉपर्टी के ज़रिए यहाँ जो ब्लैक कलर बाय डिफ़ॉल्ट है उसको आप ट्रांसपेरेंट करोगे। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप कलर में वैल्यू कुछ इस प्रकार से पास करोगे RGBA। RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, कितना आप मिक्स करके कौन सा कलर बनाना चाहते हो। तो जैसे मैंने रेड मिक्स किया 255, ग्रीन मिक्स किया 255 और ब्लू मिक्स किया 255। रेड ग्रीन ब्लू को अगर आप 255 में मिक्स करोगे तो वाइट कलर बन जाएगा। और ये जो ए है इसका मतलब है अल्फ़ा, यानी कि ओपेसिटी, आप कितना ओपेसिटी देना चाहते हो। तो सिंपली अगर मैं लिखूँ 0.1 तो वाइट कलर में ओपेसिटी पास हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो टेक्स्ट है वो दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि ये टेक्स्ट का कलर धुंधला हो जाएगा। अब ध्यान रखें, टेक्स्ट का कलर धुंधला हो जाएगा तभी आप इस फ़ोटो को टेक्स्ट के अंदर फिट कर सकते हो। अब फ़ोटो को टेक्स्ट के अंदर फिट करने के लिए आप यूज करोगे बैकग्राउंड हाइफन क्लिप प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करोगे टेक्स्ट। अगर ऐसा करने से आपका इमेज इसके अंदर सेट नहीं होता है तो इसका मतलब है आपका जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड नहीं है। तो अगर ब्राउज़र अपडेटेड नहीं होगा तो इस प्रॉपर्टी को आप अपने ब्राउज़र के लायक बनाने के लिए इसके पहले ब्राउज़र इंटीग्रेशन कीवर्ड, यानी कि हाइफ़न वेबकिट हाइफ़न कीवर्ड का यूज़ करोगे, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आपके ब्राउज़र के ओल्डर वर्जन में भी सपोर्ट करेगा। बेसिकली ये CSS3 का प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने ब्राउज़र इंटीग्रेशन कीवर्ड का यूज किया है। ओके, सिंपली सेव करके रन करता हूँ। आप ध्यान से देखो, जो फ़ोटो है वो आपके टेक्स्ट के अंदर फिट हो चुका है। कंडीशन क्या है, पहले फ़ोटो सेट कर देनी है, फिर
कलर आपको इस प्रकार से हल्का कर देनी है, तब आप बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी में वैल्यू पास करोगे टेक्स्ट, तो उसके अंदर वो फीड हो जाएगा। अब हमें एनिमेशन जनरेट करनी है, तो सिंपली सबसे पहले एनिमेशन हाइफन नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इसका नाम रख देता हूँ वैप, ओके। फिर एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसमें ड्यूरेशन डिफाइन कर दूंगा 0.5 सेकेंड, ओके। और फिर एनिमेशन हाइफन एट्रेशन हाइफन काउंट प्रॉपर्टी का यूज करके इसमें वैल्यू डिफाइन कर दूंगा इनफाइनाइट। इसका मतलब है एनिमेशन एक बार शुरू होके जब बंद हो जाएगी तो फिर दोबारा ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, ओके। इतना करने के बाद हमें यूज़ करना है एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स रूल का, और एनिमेशन का नाम हमें डिफाइन करना है, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें कोडिंग करके इस एलिमेंट को कंट्रोल करना है कि हम किस प्रकार से एनिमेशन जनरेट करना चाहते हैं। सिंपली आप एक काम करो, इसे मात्र दो भागों में बांटो, 0% और 100%, ओके। इसका क्या मतलब है, 0% के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो 0.5 सेकेंड के 0% वाले हिस्से पे काम करेगा, ओके। तो सिंपली 0.5 सेकेंड के 0% वाले हिस्से पे मैं यूज करूँगा बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। इसका उपयोग क्यों करते हैं, ताकि बैकग्राउंड फ़ोटो का जगह हम डिफाइन कर सके कि बैकग्राउंड फ़ोटो को हम कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में या सेंटर में। सो ऐसा करने के लिए आप यूज़ करते हो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी का। सिंपली आप डिफाइन कर दो कि टॉप से 0 होगा, यानी कि टॉप से सबसे ऊपर, और लेफ्ट से भी 0, यानी कि बाएं से भी सबसे बाएं, ओके। अब सिंपली इसी प्रॉपर्टी को आप कॉपी पेस्ट कर दे और टॉप से उसको वहीं रहने दे, बस लेफ्ट से डिफाइन कर दे इसका जो पोजीशन है वो 300 पिक्सल्स होगा। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ है तो टर्मिनेट करना कंपलसरी है, सो मैंने टर्मिनेट कर दिया। सिंपली आप सेव करके रन करो, देखो ये किस तरह का दिखता है, ओके। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ क्या हो रहा है, जब परसेंटेज चेंज हो रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि थोड़ी देर रुकने के बाद आपका दूसरा परसेंटेज शुरू हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, एनिमेशन हाइफन टाइमिंग हाइफन फंक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे और यहाँ पे डिफाइन कर दोगे एज अ वैल्यू लीनियर। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये लगातार आपके सामने मूव होता हुआ नज़र आएगा, ओके। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन करें। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ जो भी पढ़ाई आपको मिलती है वो बहुत हद तक अधूरी होती है। अब सिर्फ आपने एनिमेशन बनाना सीखा है, वेबसाइट में कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, या एक वेबसाइट के अंदर ढेर सारी कोडिंग्स मौजूद है, तो आप कहाँ पे इसकी कोडिंग शुरू करोगे ये आपको कैसे पता चलेगा। या अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हो या गेम्स डेवलप करते हो तो गेम्स के अंदर इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको कंप्लीट एजुकेशन देने के लिए बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज्वाइन करें। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज होते हैं वो मेरे डेमो वीडियोज़ होते हैं, जिससे बच्चे को पता चल सके कि मैं किस तरह की एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओके। सो जो बातें मैंने बताई है काइंडली उस पर ध्यान दे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में जो वीडियो का ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उस पर मुझे समझाने में आसानी होती है। एक एग्जाम्पल्स के पैटर्न पर मैं ढेर सारा एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। यूट्यूब पर मैक्सिमम 10 मिनट के वीडियोज़ होते हैं। अब 10 मिनट के वीडियोज़ में मैं कितना डेफिनेशन आपको दूंगा या कितना एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, ओके। सो जो मैंने कहा है उसे डीपली सोचे और काइंडली कोर्स को ज्वाइन करें। वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें या कमेंट बॉक्स में राइट करें। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वैप इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस।